में बुखार में कई तरह के बुखार हो सकते हैं। बुखार सबसे पहले आप ही जान लीजिए कि बुखार कहते कब हैं, फीवर कहते कब हैं, और 103 के ऊपर अगर है तो है हाई फीवर। तो अब सवाल उठता है कि आपका फीवर कैसा है, एक सेकंड की भी देर जो है आपके लिए जानलेवा हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बढ़ती गर्मी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, फीवर की समस्या लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बात अगर करें तो लोग उसको नया नाम भी दे रहे हैं, जिसको कह रहे हैं वायरल फीवर। साथ ही साथ ये भी बता दें कि टाइफाइड की समस्या भी आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि बढ़ती हुई गर्मी बारिश के कारण लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जिनसे आज हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि के उपाय क्या हैं और कैसे बचें इनसे। सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद मानसी जी। सर, आजकल बढ़ती हुई गर्मी से फीवर की समस्या लोगों में काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसको वायरल फीवर भी कहा जा रहा है, तो कैसे हो रहा है सर, और इसके उपाय क्या? देखिए मानसी जी, बुखार को वायरल फीवर सिर्फ कह देना जनरलाइजेशन हो जाएगा। बुखार जो है इस मौसम में बहुत कॉमन हो गया है, तो इसमें बुखार में कई तरह के बुखार हो सकते हैं। बुखार सबसे पहले आप ही जान लीजिए कि बुखार कहते कब हैं, फीवर कहते कब हैं। नॉर्मल 100 डिग्री टेम्परेचर तक हम लोग बुखार नहीं मानते हैं, माउथ टेम्परेचर की बात मैं कर रहा हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर का जो रेंज है वह है 95.5 से 99.9 तक। अगर माउथ टेम्परेचर है तो आपको बुखार नहीं है, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, कहीं कोई अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं है। 100 से 101 अगर है तो उसको कहते हैं हम लोग माइल्ड फीवर, 101 तक माइल्ड फीवर। 102 है तो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट फीवर, और 103 के ऊपर अगर है तो है हाई फीवर। तो अब सवाल ये उठता है कि आपका फीवर कैसा है। अगर आप माइल्ड फीवर है तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 5 दिन आप रेस्ट लीजिए, खूब पानी पीजिए, कोई एंटीबायोटिक का सेवन नहीं। बहुत ज़्यादा बुखार अगर आपको परेशान कर रहा है तो एक पैरासीटामोल दीजिए, चाहे ब्रूफन टैबलेट लीजिए। माइल्ड फीवर मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि 101 के नीचे। अगर बुखार ज़्यादा है, जिसको सीवियर फीवर हो गया, हाई फीवर हो गया, यानी 102 के ऊपर, 103 से ऊपर अगर जाए तो डॉक्टर की सलाह तो ज़रूरी ही है, उसमें वक्त जाया करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। और एक कंडीशन होता है जिसको हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं, यानी बुखार जब आपका 104 के ऊपर चला जाए तो हाइपरपायरेक्सिया होता है। तो हाइपरपायरेक्सिया तो अब इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें तो एक वक्त का एक सेकंड की भी देर जो है आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो सर, वो कितने टेम्परेचर पर होता है? अब सवाल ये उठता है मानसी जी कि वायरल, जैसे आपने कहा शुरू में कि वायरल फीवर, फीवर वायरल भी हो सकता है, फीवर बैक्टीरियल भी हो सकता है, फीवर फंगाई से भी हो सकता है, फीवर के कई एक कारण हैं। ज़्यादा जो होता है, जो आजकल जिस मौसम की बात कर रही हैं उसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि वायरल फीवर की संभावना ज़्यादा होती है, जिसमें सर्दी का होना, गले में खराश का होना, सर में दर्द का होना और माइल्ड फीवर रहना। तो अगर इस तरह का बुखार है जिसमें आपको हाई फीवर नहीं है, बहुत ज़्यादा सीने में दर्द नहीं है, बहुत कस के खांसी नहीं हो रही है, खांसी के साथ खून नहीं आ रहा है, पैखाना के साथ खून नहीं आ रहा है, तो इस तरह के वायरल फीवर में, और वायरल फीवर सिर्फ लंग्स का ही नहीं होता है, वायरल गैस्ट्रोइंटाइटिस हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन हो सकता है। पेट का इन्फेक्शन अगर आपको लूज मोशन है, उल्टी है, बुखार है, इसका मतलब कि गैस्ट्रोइंटाइटिस है। लेकिन उसके साथ अगर हाई फीवर है और पैखाना में खून अगर आ रहा है तो ये बैक्टीरियल फीवर है। तो वायरल फीवर में कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो कहा कि टाइफाइड, आजकल हो क्या रहा है कि बहुत सारे, मैं किसी पर तोहमत तलवार नहीं लटका रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे फिजिशियन भाई बंधु ही जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, रूरल प्रैक्टिशनर हैं, कहीं भी हैं, वो एक टेस्ट है विडाल टेस्ट, तो विडाल टेस्ट करा करके वो पॉजिटिव टाइफाइड आ जाता है, उसके बाद उसको टाइफाइड घोषित करके और कड़ा कड़ा एंटीबायोटिक इंजेक्शन सब देना शुरू कर देता है, जबकि वो वायरल फीवर रहता है। मैं बता रहा हूँ आपको, वही भाई लोग, क्योंकि विडाल टेस्ट एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, वो और किसी इन्फेक्शन में भी पॉजिटिव आ सकता है, तो इसलिए उसके सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी के आधार पर, कई बार तो हमने देखा है अपने मरीजों में कि बुखार 99 है, बुखार 98 है,
बुखार 100.2 है, वेरी वेरी माइल्ड फीवर, चाहे बुखार नहीं भी है और विरल पॉजिटिव है, उसको ट्रैक्सोल इंजेक्शन और तरह तरह का एंटीबायोटिक, सेफोडॉक्साइम और एंटीबायोटिक उनको लोड कर दिया गया। वो घाटा बुखार से नहीं होता है, घाटा एंटीबायोटिक से होता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ रहा है आजकल समाज में, इतना एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ रहा है जो मैं समझता हूँ कि कैंसरस ग्रोथ है इसमें। और एक व्यक्ति अगर कोई वाइटल बीमारी से ग्रस्त हो जाए, उसके एक अहम एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़े, आप जरा कल्पना कीजिए, आपका लोम हर्षक घटना हो जाएगी, आपका रोआ रोआ से हर जाएगा जब वो एंटीबायोटिक उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। जो एंटीबायोटिक उसकी जान बचा सकता था, आज वही एंटीबायोटिक की वजह से वो जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के चलन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का जो मास यूज है कि हर वायरल फीवर में एक एंटीबायोटिक लोड कर दिया, ये आपके लिए भी खतरा है, समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, जमहूरियत के लिए खतरा है। सर, कहीं कहीं ये भी देखने को मिलती है कि अगर मरीजों में फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो एंटीबायोटिक चढ़ा भी दिया जाता है, बॉडी में पानी भी चढ़ा दी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मानसी जी कि जब तक बैक्टीरियल फीवर आप डायग्नोस न कर लें और आपको क्लिनिकली लगे नहीं कि बैक्टीरियल फीवर है, कभी भी एंटीबायोटिक को का सेवन न करें। हाँ, पाँच दिन बिना एंटीबायोटिक के आप बुखार के साथ भी रह सकती हैं, सिर्फ पैरासीटामोल और ब्रूफेन खा के। हाँ, लेकिन शर्त यही है कि हाई फीवर नहीं होना चाहिए। अगर 103 के ऊपर है तो आपको एक दिन भी नहीं वेट करना है, लेकिन पाँच दिन लो ग्रेड फीवर में वायरल फीवर के प्रिजम्पशन पर एंटीबायोटिक न चलाएं, सिर्फ ज़्यादा पानी पिएं, पैरासीटामोल ब्रूफेन खाएं या ब्रूफेन खाएं और आप इंतज़ार करें। इस बीच में और कोई अगर सिम्टम डेवलप करता है, आपको सर में दर्द हो जाता है, आपको मुंह से खून आ जाता है, सीने में बहुत कस के दर्द होता है, लगे कि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा हो गई, डॉक्टर की सलाह लेके एक उचित एंटीबायोटिक का सेवन करें। सर, आजकल लोगों में बाहर के खानों का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग बाहर का जो खाना होता है जंक फूड उसको भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। ऐसा है मानसी जी कि जंक फूड की वजह से आजकल इन्फेक्शंस तो हो ही सकता है, और जो बुखार की जब बात चलती है तो जंक फूड की वजह से आपको अन्य परेशानियाँ होंगी, आपका मोटापा बढ़ेगा, आपका डायबिटीज होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो तरह तरह की लाइफ स्टाइल बीमारियाँ होंगी, पेट का इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर अगर उसके साथ बैक्टीरिया और वायरस चला जाए तो अगर फूड बॉर्न इन्फेक्शन है तो उसका सिम्टम यही होगा कि आपको उल्टी का मन करेगा, आपको पेट में दर्द होगा, लूज मोशन होगा, भूख नहीं लगेगा और बुखार होगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ अगर बैक्टीरियल या वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है उसका भी इलाज कराइए। सर, एक प्रॉपर डाइट जो लोगों को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए वो क्या होगा? प्रॉपर डाइट ऐसा है मानसी जी कि प्रॉपर डाइट तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अगर कोई एक व्यक्ति मोटा है, कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, उसका डाइट अलग होगा। लेकिन एक जनरल इंसान के लिए डाइट का मतलब है कि उसमें सारा इंग्रेडिएंट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिंस भी हो। फलों का सेवन जितना कर सकते हैं वो आपके लिए श्रेयस्कर है, फलों का। हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं बहुत ज़्यादा फल नहीं खा सकते हैं तो उसमें बंधन है, लेकिन अगर आप स्वस्थ इंसान हैं तो फल और हरी सब्जी का भरपूर सेवन करें और जंक फूड का सेवन नहीं के बराबर। सैचुरेटेड फैट जिसमें है, जैसे घी है, मक्खन है, ये सब का सेवन कम से कम करें। दूध लेना है क्योंकि दूध में कैल्शियम है, दूध ज़रूरी है एक बच्चे के लिए भी, एक लेडी के लिए भी और सब के लिए, एक वृद्ध के लिए भी, क्योंकि हड्डियों की ताकत दूध से ही बनती है। नॉनवेज का सेवन कर सकते हैं, मीट में प्रोटीन होता है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन जो भी खाएं मॉडरेशन में खाएं, ज़्यादा खाना नहीं खाना है, जंक फूड का सेवन नहीं करना है और साथ में फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते रहना ताकि लाइफ स्टाइल आपका ठीक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आजकल वायरल फीवर की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, टाइफाइड की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, हमने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर राजीव रंजन ने हमें इन सारे समस्याओं का हल बताया है कि किस तरीके से आप खुद को बचा सकते हैं, और अगर ये सारे फीवर आपको हो जाए, फीवर के बारे में भी जानकारी दी है कि अगर कौन सा फीवर हो तो आप उसमें क्या करें, साथ ही साथ ये भी बताया है कि प्रॉपर डाइट भी लोगों को लेना चाहिए और प्रॉपर डाइट का लोगों को हर दिन फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ NBC 24 पर।